हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट जारी कर दी है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो डेट शीट जारी की है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जब आप DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक एग्जामिनेशन 2020 कॉलम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। फाइनल डेट शीट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 इन OBE मोड PG। आपको यहाँ पे PG के लिए और UG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS एडमिशन ऑफ 2019। जिन भी स्टूडेंट्स ने 2019 में एडमिशन लिया था CBCS सिस्टम में, चाहे वो NCVAP के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो SOL के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए ये डेट शीट यहाँ पर शो हो रही है। BA ऑनर्स के लिए जो फर्स्ट और थर्ड के रेगुलर और SOL के स्टूडेंट्स हैं, कॉम ऑनर्स के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के रेगुलर और SOL के स्टूडेंट्स हैं, BSc ऑनर्स के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है BCom सेमेस्टर रेगुलर और NCVAP एंड SOL के स्टूडेंट जो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद बात करें CBCS के वो स्टूडेंट जिन्होंने 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में एडमिशन लिया था, पर वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई हैं जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं। ये डेट शीट सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि CBCS सिस्टम जो है वो पहले नहीं था और 2018-19 के बाद ये सिस्टम आया है, इसलिए ये CBCS सिस्टम सिर्फ रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, 2015, 16, 17 और 18 के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया BA ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के लिए डेट शीट, BCom ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के लिए। तो यहाँ पे डेट शीट आपको दी गई है। आप ये सारी डेट शीट जो भी जिस भी कोर्स से रिलेटेड, आप जिस भी सेमेस्टर से रिलेटेड डेट शीट है, आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, BA ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, रेगुलर और SOL स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपकी डेट शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे शो होगा आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 डेट शीट फॉर BA ऑनर्स, ये आपके BA ऑनर्स की डेट शीट है। CBCS सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 ये आपके CBCS दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन की डेट शीट है, पार्ट टू सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर में है, स्टूडेंट अलॉन्ग विद दिस ओनली एक्स स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीटर्स एंड इम्प्रूवमेंट केस ऑफ पार्ट वन, और वो स्टूडेंट जो कि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर जिनकी बैक आई है किसी में, वो स्टूडेंट जो पार्ट वन यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम होना है, उसकी डेट, उसका टाइम यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का पेपर कोड, इसके बाद कोर्स कोड, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कब कब आपके एग्ज़ाम है और कब कब 12 दिसंबर सैटरडे को आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।